आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। राजधानी दून के सिल्वर सिटी मॉल में बहुप्रतीक्षित गढ़वाली फिल्म मेरू गांव का प्रीमियर किया गया। शो दर्शकों से खचाखच भरा रहा और हाउसफुल भी रहा। दर्शकों में इस फिल्म के लिए जबरदस्त उत्साह देखा गया। हमारे पहाड़ों की मेन जो है, मैंने कहा कि संस्कृति अपनी जो है भाषा परंपरा को, जो कि हमारे बच्चे आने वाली भावी पीढ़ियां अपनी जो है परंपराओं से जुड़े रहें, वो सब जो है इस फिल्म में दर्शाया गया है। और सभी लोग पलायन को लेकर के भी यहाँ पे पिक्चर में जो है दर्शाया गया है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आज हमारा उत्तराखंड दिन प्रतिदिन जो है आगे बढ़ रहा है और जो है हर तरह से ये प्रकृति जो है जिस तरह से यहाँ पे हमारे हर परंपरा से सभी को जुड़े रहना चाहिए, अपनी भाषा से सभी को, माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि जहाँ हम लोग जो है पाश्चात्य संस्कृति से तो जुड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है अपनी भाषा से, अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से भी जो है जुड़ाव रखना चाहिए, मैं जो है समझती हूँ। हाँ जी, इसमें जो दृश्य दिखाए गए हैं निश्चित रूप से पिक्चर कमी है, जो इसको निभाता है, इसके कलाकार हैं, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर ये बनाई है। इसमें सभी चीज़ें हैं, इसमें जो है पहाड़ का दर्द भी दिखाया गया है और भरपूर मनोरंजन भी इसमें किया गया है। और जो इसमें विशेष तौर से जो दिखा गया है कि पहाड़ का पलायन है किस तरीके से रखे, ये भी इस पिक्चर में दिखाया गया है। मैं जितने हमारे इस पिक्चर के निर्माता हैं, जितने हमारे कलाकार हैं, वो उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता है। ऐसी पिक्चरें बनती रहेंगी तो निश्चित रूप से एक दिन हमारा पलायन भी रुकेगा। और जो इस समय पूरे देश में जो है उत्तराखंड में सब लोग आना चाहते हैं, चाहे पिक्चर बनाने को आने वाले उत्तराखंड में आना चाहते हैं, आने वाले समय में जो है ये उत्तराखंड जो है पिक्चरों का हब बिल्कुल मेरू गांव फिल्म में वो मुद्दे भी एड्रेस हैं, ढोल और ढोली खासकर, क्योंकि ये मैंने अपने सामने देखा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे यहाँ कोई फंक्शन हुआ और मेरे गांव के ढोली ने, औजी ने मुझे कहा कि अगर आप लोग सब कुछ शहर में ही कर लोगे बैंड बाजों के साथ तो हम क्या खाएंगे। तो ये उस पर डेडिकेटेड है और ये हमारी विधाएं भी मिट रही हैं, उससे हमारी कला मिट रही है, वो सब का आगे सेकेंड हाफ में भी उन सब चीज़ों का खूबसूरती से जिक्र है, सब कुछ उस चांद चौकी। हमारा जो उत्तराखंड का जो बच्चे लोग छिन, वो लोग अपनी उत्तराखंड संस्कृति से बहुत दूर जाना छिन और उनते हम लोग जब तक नहीं सिखौला कि अपनी बोली भाषा क्या छी, हमारी संस्कृति क्या छी, तो तब तक उन बच्चों के समझ में नहीं आलू। तो हमारा फर्ज बन दू छे कि हम लोग अपने बच्चों से बोली भाषा सिखाया, उनते बताएं कि हमारी संस्कृति क्या छी, उनते गढ़वाली फिल्म दिखाया, साथ ही साथ घर में भी हम लोग अपनी बोली भाषा में बात करें तो हमारा बच्चा जो छिन हमारी संस्कृति से रूबरू होला। सरकार से मैं यही मैसेज देना चाहूँ चाहूँ कि जो हमारी उत्तराखंडी भाषा की जो भी फिल्म बननी चाहिए उनसे सपोर्ट करें, यहाँ के लिए कि हमारी उत्तराखंडी फीचर फिल्म जब बची रह ली तो हमारी बोली भाषा भी बची रह ली। अच्छे मैसेज हैं हमारे पलायन के ऊपर जो है, और उसके सॉल्यूशन जो है वो भी अच्छी तरह से दिखाया गया है, किस तरह से ये जो समस्या है वो हल हो सकती है। और बहुत सारे कॉमेडी पार्ट हैं जो कि बहुत सुंदर, और जो डायलॉग की पंचिंग है वो बहुत सुंदर है, और म्यूजिक जो है कुमुला जी ने बहुत सुंदर म्यूजिक दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सुंदर दिया है, और गीत जो है नेगी जी ने या मैंने जो भी गाए हैं अच्छे गीत हैं। आपको कैसे लगे ये तो प्रतिक्रिया आप देंगे, लेकिन हमारी तरफ से बेस्ट था। मुझे तो बहुत इमोशनल, बहुत ज़बरदस्त और टेक्निकली भी बहुत सॉलिड फिल्म है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इसने गंभीर सब्जेक्ट में एज ए म्यूजिक राइटर काम करने का। तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि जरूर इस फिल्म को देखें। नहीं, बिल्कुल जो है, जो
पहाड़ के गांव की दशा है, जो मूलभूत जो बिंदु हैं इस फिल्म में बड़े ही ज़ोरदार तरीके से उठाए गए हैं, और निश्चित तौर पर जो है हमारी सरकार तक ये बात पहुँचे, जो गंभीर मुद्दे जैसे परिश्रमण का मुद्दा इसमें उठाया गया है, और दूसरा जो पहाड़ों में जो दिक्कतें हैं वहाँ से पलायन क्यों हो रहा है, वो मुद्दों पर इस फिल्म में बात की गई है, और सब व्यक्तियों को ये फिल्म देखनी चाहिए। मैं पहाड़ के तमाम जनमानस से ये निवेदन करूँगा कि आप देखें और हमारी पहाड़ के और गांव की क्या समस्याएं हैं और हमारा कल्चर कैसे बचेगा, उस चीज़ के लिए इसमें बड़ी मजबूती से बिंदु उठाए गए हैं। मुझे खासकर जो अच्छा मैं तय गढ़ सबू के कैरेक्टर अच्छी लगी, बहुत बढ़िया अभिनय कहूँ सबू को, और क्या बोला मेरू गांव फिल्म बहुत अच्छी थी, सब उसे अनुरोध कर जरूर दिखना आया। मैं तभी 15 साल हो गए छुड़िया गांव, और 22 साल में भी पहाड़ में बीती, और आज बहुत रूण भी है भी फिल्म देखी थे रूण भी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो मैं कि फिल्म बहुत बढ़िया चार, हम लोग उन सच्ची हम बहुत पलायन करना चाह गढ़वाल बेटे पलायन की लगी, वो मेडिकल असुविधा नहीं चाहिए, शिक्षा सुविधा नहीं चाहिए, तो हम फिर उख रैबिकन के सकता सरकार तो थोड़ा सुचिन चुनाव मेडिकल और शिक्षा विभाग गढ़वाल में थोड़ा सी बढ़िया कारो, तो तब उख विकास हो सको थोड़ा गढ़वाल का विकास करो, और सब उसे अनुरोध करूँ छो गढ़वाल फिल्म दिखना जरूर है, यहाँ बहुत बढ़िया फिल्म ची, और अपर बच्चों तक भी दिखाए ना अपर गढ़वाल संस्कृति तक अग्नि बढ़ावा, और बस धन्यवाद। बहुत अच्छी फिल्म लगी मेरे को, और अच्छे सब का किरदार बढ़िया थी, सब भूमिका अच्छी निभाई थी, बहुत अच्छी लगी, और सब यू हमारे गांव पहाड़ों में इन सुविधा नहीं थी, तभी लोग पलायन होना चाहिए बड़े ही, कोई स्कूल नहीं चिना हॉस्पिटल नहीं चिना, तभी पलायन होना चाहिए सर पहाड़ बड़े की, सभी देहरादून बसना चिन्ह प्लेन में बसना चिन्ह और पहाड़ छोड़ देना चिन्ह अपन, और पहाड़ अपना सब हमारे पहाड़ में बुजुर्ग छिन उनका सब बच्चा नाती नतना सब उनका प्लेन में बसा छिन, और वो बेचारा अकेला छिन घर में दिखाने वाले कोई नहीं चाहिए, कोई बेचारा खाणो दिन वाले नहीं चाहिए, सब अपना अकेला रहने अकेला गुजर बसर करना, तो पहाड़ में जानी सब सुविधा हो जाए तो पहाड़ कोई नहीं छोड़ सकते फिर सब अपना।